पीएम मोदी की रैली अलीगढ़ में नहीं अब बुलंदशहर में होगी। यूनिवर्सिटी का काम अधूरा होने पर टला दौरा, अब फरवरी में हो सकता है कार्यक्रम। अयोध्या कोलकाता के बीच शुरू हुई एयर इंडिया की हवाई सेवा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री बोले, अयोध्या एयरपोर्ट से शुरू होने वाले 17 दिन के अंदर देश के चारों कोने में जुड़ा। बंदायू में भाजपाइयों ने निकाली विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रदेश उपाध्यक्ष बोले, 2014 से पहले चेहरा देख कर दिया जाता था योजना का लाभ, अब बदलती तस्वीर। दारा सिंह चौहान विधान परिषद के लिए प्रत्याशी घोषित, कल नामांकन की आखिरी तारीख थी। भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को दिनेश शर्मा के राज्यसभा जाने के बाद रिक्त हुई विधान परिषद सीट पर प्रत्याशी बनाया। नगर निगम जोन 6 से नीलम साहू द्वितीय श्रेणी लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। नीलम साहू द्वितीय श्रेणी लिपिक 6 जोन की थी, भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। WFI अध्यक्ष संजय सिंह को गाजीपुर से मिली थी धमकी, 12 जनवरी को शराब लखनऊ के चिन्हट में 2 मोबाइल लुटेरे अरेस्ट। महिला स्टाफ नर्स का मोबाइल लूटने वाले अरेस्ट। बाराबंकी के देवा इलाके के रहने वाले आदित्य तिवारी और चंद्र विश्वकर्मा गिरफ्तार। लूट के 2 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद। चिन्हट के देवा रोड पर बाबा हॉस्पिटल मोड़ के पास हुई थी कुछ दिन पहले घटना। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर को अयोध्या से मिला न्योता, बोली, ये आमंत्रण दिखाता है कि हमारा भाई वनवास खत्म, किन्नरों को मान्यता मिलने लगी। यूपी पुलिस के 60,000 कांस्टेबल भर्ती में बड़ी राहत, फीस पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड और करेक्शन की डेट बढ़ी, अब आसानी से भर सकते हैं फॉर्म। कश्मीर की हवाओं ने काशी में बढ़ा दी गलन, 8 साल का टूटा रिकॉर्ड। वंदे भारत समेत 12 ट्रेनें हुई लेट। झांसी में भी शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, पारा 10 डिग्री गिरा, न्यूनतम पारा 7 डिग्री पहुंचा। अगले 4 दिनों तक गलन और कोहरे से गिरेगा पारा। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।